फेवरेट हीरो कौन है? फेवरेट हीरो कोई एक नहीं है. कितने हैं? बहुत हैं. मतलब कितने? रैपिड फायर 15, 20, 50, 100, 200. आई मीन हेलो हाय. मुझे शहजाद पसंद. शहजाद हसान में बैठा हुआ, मतलब वो कह भी रहा है कि मैं हूँ भाई शहजाद. हाँ शहजाद आजकल काम भी हो रहा है तो अच्छा वो सामने जो बैठा उसकी तारीफ कर देनी चाहिए जो सामने बैठा हो. नहीं नहीं मैंने तो यार मेरा ये मतलब था मैं सामने शहजाद की बात. मैं सोचा कि मैं एक नाम नहीं लूं जो इनका बहुत सारे पसंद. और जो सुन रहे हीरोज वो भी कह रहे हमारी तारीफ नहीं की वो सुनते नहीं. हीरोइन से ज्यादा हीरो से दोस्ती है? गलत. लड़कियों से ज्यादा दोस्ती है? कौन सी हीरोइन से दोस्ती है? नहीं एक्चुअली किसी से भी नहीं, ना हीरोइन से ना हीरो. तो फिर सही सही हुआ तो. अच्छा यानी कि किसी से दोस्ती? हाँ दोस्ती नहीं है. अच्छा हीरोइंस जो हैं हाँ उनमें से कोई भी अच्छी नहीं लगती? नहीं गलत. तो कौन सी अच्छी लगती? सजल बहुत पसंद है, बहुत अच्छा काम करती है. और माया भी पसंद है, सब पसंद है. हाँ जारा, जारा बहुत पसंद है आजकल. दीवार शर्मा में बहुत अच्छा काम. मेरा कोई साथ में काम नहीं था उनके, लेकिन मुझे बहुत पसंद है. किस हीरोइन से इंस्पिरेशन लेते हो कि मुझे ऐसा बनना? नहीं किसी से नहीं. नहीं किसी से. वजह? मुझे अपना ही कुछ बनना है. क्या अपना कुछ? क्या अपना ही कुछ बनना है? इंस्पिरेशन मैं दूसरे तरीकों से ले सकती हूँ कि काम करने का तरीका कैसा है. मुझे किसी के जैसा नहीं बनना, मुझे जो बनना है वो सारा ही बनना है. ओके नहीं दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट आल्सो कि किसी की कॉपी नहीं करनी, किसी को मिमिक नहीं करना, अपना अंदाज है. और अगर जिंदगी में लिया जा सकता है ना कि मैंने इस जैसा बनना नहीं है, मैंने खुद की आइडेंटिटी बनानी है. हाँ, लेकिन ऑब्वियसली अब अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि यार इसने इतना अच्छा काम किया है कि मैं अपने लिहाज से उतना अच्छा. हाँ शहजाद थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग सो मच इन दिस रैपिड फायर. बहुत शुक्रिया. अच्छा इन हीरोइंस को रेट कीजिए. बेस्ट एक्टर अच्छा शुक्रिया. आयशा उमर, आमना शेख, माया अली. आमना शेख नंबर वन. ठीक है माया ली और आयशा. ठीक है जबरदस्त. और वैसे तीनों नाम ही बहुत अच्छे हैं. बिल्कुल ठीक है. इन हीरोज को रेट कीजिए. जी फरहान सईद, गौहर मुमताज या शहजाद शेख. वेरी टफ. वेरी टफ. क्या कहे अल्लाह मैंने तो कभी सुना ही नहीं. कौन बोल दो, कौन लोग है ये तीनों के लिए बोले. एक मिनट मैं आसान करता हूँ, बाकी बाकी दो बता दो यार. चौथा नाम ले लो यार. दूसरा गौहर, शहजाद और कौन थे? फरहान सईद. फरहान शहजाद नंबर वन. नहीं मैं सच बता रही हूँ. सामने बैठा इसलिए नहीं, सच बता रही हूँ. शहजाद इस पर नंबर वन. नंबर वन यार, नंबर वन बोल दिया उसने यार. मैं आपको बताता हूँ इस सवाल का जवाब. मैं बताता हूँ गौहर रशीद, फरहान सईद, शहजाद शेख. ठीक है बहन भाइयों में सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ है सब में से? वो सुन रहे हैं. सुन रहे हैं बहनों के साथ ज्यादा है. एक या दोनों के साथ? दोनों के साथ. और इतनी ज्यादा है इसी वजह से ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है. क्वेश्चन साथ हैंग आउट करते हैं. वो फिर बीच में आ गया सारा कमल के भाई हैं मुझे नहीं पता था. हाँ ना वी आर फोर. मेरा एक भाई अभी बोला था बड़ा से इसका दोस्त तू. उसने कहा नहीं है दोस्त. अब यार उसका भाई भी है सारा का भाई. तो फिर की कैसी दोस्ती? सही तो बोला उसने कम कम दोस्ती ये नहीं पता यार. अच्छा सॉरी एक भाई है और एक बहन और दो बहनें हैं. हाँ. तो बहनों के साथ ज्यादा है बिकॉज़ भाई ऑब्वियसली वो अपना अलग अपने दोस्तों में ज्यादा ऑब्वियसली बॉन्डिंग विद योर सिस्टर्स. लेकिन हम चारों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है और इतनी अच्छी है माशाल्लाह कि हमें किसी और की जरूरत नहीं है. ओके जबरदस्त. अच्छा एक बात जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सारा के बारे में पता चली बट आई वांट टू रीकंफर्म कि रिलीजन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान है और कुरान सीखने का शौक है और सीख रही हो. सीखा हुआ है और बहुत शौक है और कोशिश करती हूँ कि और ज्यादा स्टडी करूँ. बिकॉज रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन. मुझे ये लगता है कि अगर आपकी कोई दुनिया में और आपकी जिंदगी में अगर आपके स्टेबिलिटी आती है तो वो मजहब से आती है 100%. और अगर आप उस चीज को पीछे छोड़ देते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आप काम आप किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पाते. और ऐसा इसमें भी शहजाद कुछ बोलना चाह रहा नहीं. मैं इनको भी मैंने देखा है. अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर रिलीजन क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके रिलीजन से डिफाइन होती है आप किस तरह के इंसान. बिल्कुल सही है. अच्छा ज्यादा सोशल ना होने की वजह से नुकसान भी हुआ? नहीं बिल्कुल भी नहीं. डोंट यू थिंक कि लोग जो बहुत ज्यादा मिलते हैं उनका पीआरशिप बहुत बेहतर होता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, फिर आप जब कास्टिंग हो रही होती है या कहीं ना कहीं आप एक साथ होते हैं तो आपको याद आ जाता है कि ये हमारे अपने दोस्त हैं इनको कास्ट कर लें. ऐसा होता है फिल्म में?
बिल्कुल होता है और बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन इस वजह से मैंने कभी ये सोच के किसी के साथ बाहर नहीं गई या हैंग आउट नहीं किया, जैसे आपने कहा फिर मैं इस पर मैं नज़र नहीं आती। मुझे लगता है कि मुझे जो मेरे लिए है ना, अगेन आपका रिलीजन पे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि आपके लिए जो है वो है, आपको हैंग आउट करने की ज़रूरत नहीं है या कुछ। 3 साल से ज़्यादा सपोर्टिंग रोल में काम किया और फिर कहीं जाके सोलो हीरोइन के तौर पर काम मिलने लगा। ये 3 साल मैंने ऐसे किया कि एक प्रोजेक्ट किया, पहला वही सैफी हसन के साथ एक प्रोजेक्ट किया, उसके बाद मैंने 2 साल तक कोई काम ही नहीं किया क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि मुझे करना है, पढ़ाई करनी है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट किया, 3 साल गुजर गए और अल्लाह का शुक्र है कि पहला प्रोजेक्ट जो था वो सुपर हिट था, उसकी वजह से लोगों ने इतना पहचाना कि जो तीसरा प्रोजेक्ट किया आपके साथ किया था गौरे नायाब, सपोर्टिंग था, शायद सपोर्टिंग से भी छोटा था। नहीं, it was a very good character, ऐसे ही होता है, आप gradually आप नजर दिखते हैं तो फिर लोग आपको चूज करते हैं। यही तरीका होता है, आप gradually ही ग्रो करते हैं, आप आते ही मुझे नहीं लगता कि मैं हीरोइन बन जाती या बन सकती थी या मुझ में इतना पोटेंशियल भी था कि मैं इतना अच्छा यू नो बड़े उस पे काम कर सकूं। डांस करने का बहुत शौक है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं, बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। देखने का नहीं, देखने का शौक है। डांस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन गाना नहीं 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 बहुत अच्छा गाती है। हाँ यस, ये कितना अच्छा दोस्त है, कितने राज फाश कर रहे हैं आज ये। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बढ़ेंगे और गाना तो जाहिर है दोनों को वैसे ही हमारा एक सेगमेंट होता है, उसमें कुछ ना कुछ गुनगुनाना ही होता है। आगे बढ़ते हैं सारा के रैपिड फायर राउंड, जो कि तकरीबन रैपिड फायर राउंड नहीं था, लेकिन यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन बहुत जबरदस्त राउंड था। सारा ने बहुत प्यारी प्यारी बातें की। सारा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जबरदस्त जनाब। वो देखिए तो आपकी तालियां बजा रहे हैं, कितना सपोर्टिव हीरो है यार। आगे बढ़ते हैं और अब बारी है रैपिड फायर राउंड की और वो शहजाद शेख जवाब देंगे और हम कोशिश करेंगे ये जरा रैपिड फायर राउंड ही रहे। शहजाद शेख तैयार हो? हमेशा से शहजाद को ये बोलना चाहिए मैंने आधा रैपिड फायर तो कर दिया, मैंने सारा के सारे जवाब, मैं चाह रहा था कि इसका राउंड रैपिड हो जो हो नहीं रहा था रैपिड। ओके शहजाद, क्या ये सच है कि बचपन में आपको एक्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं था और ये काम काफी बोर लगता था आपको? ट्रू, रियली? अब इसका आप जवाब नहीं पूछिए क्योंकि रैपिड फायर है। नहीं, मैं नहीं पूछा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं हैरान हूं। मैं बाबा को देखता था स्टूडियोज में जाके एक्टिंग करना एंड ऑल दैट, सेट्स लगते थे फिल्म्स के एवेन्यू स्टूडियोज में, और फिर एक सी कट के बाद कहते थे हाँ जी ब्रेक हो गया, जी हो गया, फिर वापस आ जाओ खाना पीना। और मैंने कहा ये क्या कैसा काम है यार, कैसा काम है ये, नहीं करना। अब नेक्स्ट 3 घंटे लाइट होगी, फिर जाएंगे, फिर शॉट देंगे, तो आई यूज्ड टू गेट, और घर से एब्सेंट भी रहते हैं लोग बहुत। एज एन ऑडियंस अगर आप किसी अपनी फैमिली मेंबर को सेट पे ले जाएं तो ऑब्वियसली उसमें बोर ही होने। बिल्कुल सही है। एक्टिंग में आना इत्तेफाक था या आपके डैड का शौक था कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए? ना डैड का शौक था ना इत्तेफाक था। मैं बहुत लेट बैक किस्म का बनता हूँ, तो मेरा 9 to 5 कभी हो नहीं सकता था। मैंने कहा फिर क्या किया जाए, फिर शाय और रिजर्व भी था बहुत, तो मैंने कहा क्यों नहीं बाहर जाके एक्टिंग के बारे में कुछ सीखा जाए, और बाहर गया सीखा, इधर आया मैंने कहा हो तो गलत सीख लिया, अंग्रेजी में सीख लिया, अब उर्दू में सीखना पड़ेगा। तो फिर आके आहिस्ता आहिस्ता अपनी जर्नी शुरू। नहीं, आप एक बेहतरीन एडिशन है हमारी फील्ड के लिए यार, यू डूइंग वंडरफुल। थैंक यू सर, कमिंग फ्रॉम यू इट्स अ बिग वन, इट्स वंडरफुल, थैंक यू सर। ओके, टू गर्ल्स यू वर्क विद, दे बोथ आर वेरी गुड, हु वुड यू चूज, आयशा उमर या सोनिया हुसैन? चूज एज इन व्हाट? अगर दोबारा काम करने का मौका मिले दोनों में से एक के साथ? आयशा उमर या सोनिया हुसैन? आयशा उमर, बिकॉज उनके साथ फिल्म की थी मैंने, बहुत अच्छी है, बहुत सुपर टैलेंटेड लड़की है। ओके, गुड स्क्रिप्ट विद न्यू डायरेक्टर या एक्सपीरियंस डायरेक्टर विद बोरिंग स्क्रिप्ट? गुड स्क्रिप्ट विद न्यू डायरेक्टर, आई वुड चूज दैट आल्सो। सारा बिल्कुल नहीं बोल रही बीच में, बे अच्छी बच्ची है सारा, ना बोली। बड़ी प्रोडक्शन देखकर साइन करते हैं या बड़ा चैनल? प्रोडक्शन। ओके, इट कुड बी एनी चैनल, यू प्रेफर वर्किंग फॉर एनी चैनल? या बट अ बेटर, अगर प्रोडक्शन उनकी सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, व्हाई नॉट, आई वुड डू इट। ट्रिकी, मेक सेंस ना? या या, इट डज। सारा आप, आई यूजुअली डोंट डू दैट, आई डोंट डू दैट। मेरे चैनल जो है वो मेरी चॉइस का होना चाहिए, मुझे बस ये काम करते मुझे कि मेरा चैनल मेरी चॉइस का, जिससे मैं आ रहा हूँ। बाकी सारी चैनल आप सुन रहे हैं ना, बाकी सारे चैनल आप सुन रहे हैं ना, मैं सब चैनल्स के लिए काम करता हूँ। रैपिड फायर। ओके,
एक्टिंग से हटके कोई और बिजनेस करते तो क्या बिजनेस होता? मे बी एडवर्टाइजिंग में ही कुछ एज इन डायरेक्टर वगैरह कुछ चीज़ें। क्या ड्रामा प्रोडक्शंस को आपके लेट आने की शिकायत रहती है? जी होती है। वजह? लेट आने की शिकायत? हाँ। आपने क्या पूछा सवाल? ड्रामा प्रोडक्शंस को आपके लेट आने की शिकायत होती है? हाँ, मैं कह रहा हूँ होती है। हाँ, क्यों लेट क्यों जाते हो? यार कभी आधा पौना घंटा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जब मैं सेट के ऊपर पहुँच जाता हूँ देन सारा को भी पता है और बाकी एक्टर्स के साथ मैंने काम भी किया या प्रोडक्शन हाउसेस, देन आई डोंट टेल देम कि अच्छा मैंने 10 बजे चले जाना है या 10:30। मैं कहता हूँ यार अपना काम निपटा। आई एम वेरी हैप्पी कि ऑनेस्ट हो रहा है, बिकॉज यूजुअली लोग जो कहते हैं हमारा इमेज खराब ना हो, हम तो 5 मिनट भी लेट नहीं होते, लेकिन हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। अपनी किसी गर्लफ्रेंड का नाम बता दो। सारा। हाँ? ओके। जी आपकी बात नहीं कर रहा यार जी। शादी से पहले मैं जा रहा हूँ। शादी से पहले? दिस वाज हिलेरियस। वो समझी कितनी आया ना? क्या वो मारने लगी थी? अभी मारती उठा के कोई चीज। बच गया। अच्छा, अच्छे मौके पे बता दिया क्या तुम्हारा नहीं? Her name was Sara. She got married earlier than I got married, and then she also had kids. Yeah, you don't regret it. तो मैं भाई मामू बन गया। As they say. मतलब कोई और रिश्ता नहीं जोड़ा, डायरेक्ट ऐसे ही होता है भाई। आपके साथ ही बहुत हुआ होगा मुझे पता।